ऑब्जेक्ट है उसकी, और जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कम है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लेंगे, उसमें वही लिखा हुआ है। हम लोग आगे चल रहे हैं, उधर से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए देखिए, एक एक्टिविटी है, ठीक है, इसको पढ़ना है और इसको करना है। तो आप इसको पढ़ के घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ समझा दे रहा हूँ। लुक एट फिगर 13.1, ठीक है, फिगर 13.1 पे देखना है। एक मिनट रुक जाइए। चलिए ओके, सब ठीक है। अब फिगर 13.1 शायद यहाँ पे है। चलिए, वहाँ पे लिखा था फिगर 13.1 को देखना है, तो इसको देखते हैं। व्हीकल मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन ऑन अ रोड, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो भाई एक ही रोड है, सब एक तरफ मूव कर रही हैं, ठीक है। कितना सा जगह देख के हमें बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर देना है, तो आप लोग शायद दे सकते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब सबसे पीछे ये वाली गाड़ी है, सबसे आगे ये वाली है, ठीक है। तो अब सब बाकी सब क्या हैं, बीच में हैं। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए, ये हमारी एक्टिविटी थी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये सारी एक्टिविटी उसको उसके बारे में बताया था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है। विच व्हीकल इज मूविंग विच व्हीकल इज मूविंग द फास्टेस्ट ऑफ ऑल, मतलब सभी जो है गाड़ियों में सबसे तेज गाड़ी कौन चल रही थी, तो शायद आप लोग बता देंगे जल्दी से। देखिए इसमें एक्टिविटी में सबसे तेज कौन सी गाड़ी है, जो सबसे आगे हुई वही सबसे तेज चलेगी, क्योंकि सब क्या हैं, साथ में ही चली थी, सबसे जो आगे है सबसे फास्ट है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, विच वन ऑफ देम इज मूविंग द स्लोवेस्ट ऑफ ऑल, स्लो मतलब धीमा, सबसे धीमे कौन चल रही है, जो सबसे पीछे होगी वही तो सबसे धीमा चलेगी, तभी तो पिछड़ जाएगी ना, ठीक है, तो उसको बता लेंगे आप लोग। अब दोनों से इस एक्टिविटी से हमें क्या कंक्लूजन मिला, हमको क्या सीखने को मिला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, द डिस्टेंस मूव्ड बाई द ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज फास्टर और स्लोअर। जैसे हम कहते हैं, ठीक है, आपके पास 5 मिनट का टाइम है, 5 ही मिनट है, ठीक है, और जो है उस 5 मिनट में जो है आप लोगों को डिस्टेंस ट्रेवल करना है, ठीक है, एक स्ट्रेट रोड है उस पर जो है चलना है। अब 5 मिनट में जो है जो सबसे अधिक डिस्टेंस कवर करेगा वही तो सबसे तेज चलेगा, है कि नहीं, और जो सबसे कम डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या होगा, सबसे धीरे चलेगा। इसका मतलब यही तो हुआ, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा ना टर्टॉइज, और चलिए छोड़िए उसको, ठीक है। हम लोग जो है सिंपल अपनी बात करते हैं, हम लोग जो है रोज़ जो है साइकिल से घर से स्कूल की तरफ आते हैं, ठीक है। अब जिस दिन हमने कम समय लिया, ठीक है, उस दिन हमारी स्पीड क्या थी, ज़्यादा हो गई थी, इसलिए हमने कम टाइम लिया। जिस दिन हमने अधिक समय लिया स्कूल तक आने के लिए, उस दिन हमारी स्पीड, हमारे साइकिल की स्पीड क्या थी, कम थी, ठीक है, इसलिए जो है वहाँ पर जो है हमारी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। यहाँ से जो है टाइम के रेस्पेक्ट में या डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, ठीक है, जैसा भी आप लोग वहाँ से डिसाइड कर सकते हैं, जो है इतना समय दिया गया है, इतने जो है समय में कौन सबसे अधिक डिस्टेंस कवर कर ले रहा है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसने कम डिस्टेंस कवर किया उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, ठीक है। चलिए, ये हमारा जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट था, तो इसको जो है आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से जो बहुत अच्छी चीज़ हमको जानने को मिली है, मार्कर भी चल नहीं रहा है। चलिए ठीक है, अब जो है हम अपना जो है आगे की तरफ देखते हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है, स्पीड। हमने तो जो है ये पढ़ लिया कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता है, ठीक है, अगर वो मोशन में ऑब्जेक्ट है तो उसका मोशन क्या होगा, कभी जो वो फास्ट मूव करता है और कभी जो वो स्लो मूव करता है, ठीक है। ये जो है कैसे कैसे होता है, हमने इसके बारे में आपको अच्छे से बता दिया।
ठीक है। अब नेक्स्ट टर्म आता है स्पीड का, स्पीड क्या होती है, तो चलते हैं देखते हैं इसको स्पीड क्या होती है। जैसे हम इसी एग्जांपल को लेते हैं, चलिए देखिए, तो अब 13.2 देखिए, बहुत सारी कारें हैं, ठीक है, ये कार सबसे पीछे है और ये वाली कार क्या है, सबसे आगे है, ठीक है। तो अब बताइए, कार की जो है रेसिंग हो रही है तो सबको जो है एक ही डिस्टेंस कवर करना है, सबको जो है डिस्टेंस वही कवर करना है, सेम ही, लेकिन किसी जो है कार ने अधिक टाइम लिया और किसी कार ने कम टाइम लिया, ठीक है। तो वहाँ से हम ये कहेंगे कि इस कार की स्पीड क्या थी, ज़्यादा थी, बोलते हैं ना ऐसे, कि इस कार की स्पीड क्या थी, कम थी, इसलिए वो हार गई। तो वहाँ पे स्पीड आता है टर्न, तो स्पीड होता क्या है, देखिए हमने स्पीड, ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ स्पीड। अब देखिए, हमने कहा कि हमको जो है सभी कार को सेम डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, तो डिस्टेंस हमारी वही है, सबको एक ही डिस्टेंस कवर करना है, ठीक है, ये क्या है, टोटल डिस्टेंस है। मैं फिर से लिख रहा हूँ, गड़बड़ हो गया, मैं इधर लिख रहा हूँ स्पीड। हमने कहा सबके लिए जो है टोटल डिस्टेंस एक ही रहेगा, टोटल डिस्टेंस हो गया। अब बताइए, सभी जो है कार अलग अलग समय लेंगी पहुँचने के लिए, ठीक है, अगर हमें जो है किसी एक कार की स्पीड निकालनी हो तो हम लोग क्या कहेंगे, उसको कितना डिस्टेंस उसने कवर किया और जो है फिर उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना उसको समय लगा, ठीक है, टोटल टाइम। ये क्या हो गया, स्पीड का फॉर्मूला निकल के आ गया, स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस, और उसमें डिवाइड करेंगे किससे, टोटल टाइम से, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा जो है हमारे घर से स्कूल की जो है डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर है, ठीक है, हमारे जो है स्कूल से होम, स्कूल से होम की डिस्टेंस कितनी है, 10 किलोमीटर है, हमको जो है आने में कितना टाइम लगा बताइए, हमको जो है आने में मान लीजिए 2 घंटे लग गए, 2 आवर, ठीक है, तो हमारी जो है स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना लगा, 2 आवर, मतलब कितना हो गया, 5, हमारी स्पीड कितनी हो गई, 5, ठीक है। अब जैसे टाइम का जो है एक हम लोग मेजर करते हैं टाइम को सेकंड में, वैसे स्पीड का भी जो है एक यूनिट होता है, मतलब एक जो है उसको हम लोग मेजर करते हैं उसी में, ठीक है, उस यूनिट में, तो उसका यूनिट क्या होता है, देखिए हमारा डिस्टेंस किस में था, किलोमीटर में, डिवाइड कर रहे थे किससे, समय से, समय हमारा किस में था, टाइम आवर में था, तो स्पीड जो है किस में निकल के आ गया, किलोमीटर पर आवर, बात समझ में आ रही होगी आपको, हमारी स्पीड कितनी हो गई, 5 किलोमीटर पर आवर, पर मीन्स क्या होता है, एक घंटे में 5 किलोमीटर, तभी तो जो है 2 घंटे में 10 किलोमीटर चलेंगे, तो स्पीड कितना हुआ, 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम लोग ये कह सकते हैं स्पीड कैसे निकलती है, कोई भी जो है ऑब्जेक्ट वो 1 आवर में जितना डिस्टेंस कवर करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड कहते हैं, 1 आवर में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वही क्या होती है, स्पीड होती है, ठीक है। अब स्पीड के जो है दूसरे भी मात्रक हैं, दूसरे भी जो यूनिट हैं, तो उसको हम जो बारी बारी से आगे पढ़ते रहेंगे, ठीक है। जैसे स्पीड के जो है कई सारे यूनिट हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर में ये भी होता है, मीटर पर सेकेंड ये भी होता है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कहूँ स्पीड क्या होता है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, कोई भी जो है ऑब्जेक्ट 1 आवर में यहाँ जितना किलोमीटर चलता है, 1 आवर में जितना किलोमीटर चलेगा वही क्या होती है, स्पीड होती है। यहाँ मैं कहूँ तो आप लोग क्या बोलेंगे, कोई भी जो ऑब्जेक्ट 1 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर करेगा मीटर में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पीड कहेंगे, ठीक है। यहाँ से जो आप लोग समझ गए होंगे स्पीड क्या होती है, अब मैं इसमें आपको बता दे रहा हूँ इसमें स्पीड कैसे डिफाइन करेंगे।
देखिए यहाँ पे लिखा है द डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। ये लिखा है यूनिट टाइम, इसका मतलब क्या होता है यूनिट टाइम का? यूनिट मीन्स वन, वन टाइम में। अब वन टाइम मीन्स वन सेकेंड भी हो सकता है और वन आवर भी हो सकता है, ठीक है। अगर वन सेकेंड कहे तो वन सेकेंड में कितना मीटर चलता है तो वो क्या हो गई स्पीड। अगर पूछे वन आवर में कितना किलोमीटर चलता है तो वो क्या हो गई उसकी स्पीड, ठीक है। तो वन आवर में या यूनिट समय में, यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे स्पीड। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया और फिर जब उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना समय लगा तो वो क्या हो गया आपका स्पीड हो गया, ठीक है। अब जो स्पीड को हम लोग किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर पर आवर में, और उधर लिखा है एक मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये हो गया इसका यूनिट। चलिए आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल जो है लेके समझते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर दे रहा हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं स्पीड को समझने के लिए। ऐसे मान लीजिए ये है कोलकाता यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे है दिल्ली। हमने कहा दोनों के जो है बीच की डिस्टेंस कितना है, मान लीजिए 700 किलोमीटर है, ठीक है। एक बस है कोलकाता से चलना शुरू हुई और जो है वो दिल्ली तक पहुंच गई, तो यहाँ से वहाँ तक पहुंचने में बस कितना समय लगा, मान लीजिए उसको जो है 7 आवर लग गए, 7 घंटे लग गए वहाँ तक पहुंचने में, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि स्पीड ऑफ बस, मैं कहूँगा बस कितनी स्पीड से चल रही थी, तो आप लोग क्या कहेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है कितना 700 अपॉन टोटल टाइम कितना लगा 7 घंटे, 7 आवर, ये है किलोमीटर। तो 7 से एक कट जाएगा 100 बार, बचा का किलोमीटर और आवर। तो बस की स्पीड कितनी हो गई 100 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में 100 किलोमीटर, तो 7 घंटे में 700 किलोमीटर, ठीक है, तभी तो चलेगा वो। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर देता हूँ और हम लोग अब आगे चलते हैं। हाँ यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखिए वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसको देख लेते हैं, देखिए यहाँ से जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ से शुरू हुआ, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में, ताकि हम लोग ये देख लेते हैं। देखिए स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम, लेकिन आपको मैं बता दिया हूँ, ठीक है। अब जो है स्पीड में दो टर्म और आते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म स्पीड। मोशन को ही स्पीड कहेंगे, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यूनिफॉर्म मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो अब देखिए ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज चेंजिंग इट्स मोशन इज सेट टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मान लीजिए हम जो है कार चला रहे हैं, ठीक है, अभी हम जो है नया नया कार चलाना सीखे हैं, तो हम ले सड़क पे लेके चले गए, ठीक है, सीधी सड़क है वहाँ पे हम उसको लेके चले गए। अब क्या हुआ, कभी हमारी जो है कार की स्पीड बढ़ जा रही है, कभी कार की स्पीड क्या हो रही है कम हो जा रही है, ठीक है, कभी बढ़ गई और कभी स्पीड क्या हो गई कम हो गई, फिर बढ़ गई, ऐसे ऐसे हम लोग जो आगे चलते चले जा रहे हैं। तो वहाँ पे जो हमारी कार का मोशन है वो कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म है। लिखा है ना स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, मतलब कोई अगर ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन की तरफ मूव कर रहा है और इसका जो है स्पीड क्या हो रहा है कीप्स चेंजिंग, मतलब बदल रहा है, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है, तो वैसा मोशन क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अब देखते हैं आगे, एन ऑब्जेक्ट मूविंग
ये यहाँ से है इसके लिए, ठीक है, यहाँ से था ये पहले वाले के लिए, कहाँ गया यहाँ से, ठीक है ना। ये यूनिफॉर्म का है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है यूनिफॉर्म का है, ये सॉरी ऊपर जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है, नीचे यूनिफॉर्म का है। एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड इज सेट टू बी यूनिफॉर्म मोशन। अब मान लीजिए कोई ट्रेंड ड्राइवर है, बहुत दिनों से गाड़ी चला रहा है, अब वो क्या होता है, एक जो है समान स्पीड से गाड़ी चलाता रहता है, अब न तो वो कहीं कम होगी न तो कहीं ज़्यादा होगी, तो उस तरह का मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक समान जो है स्पीड से आगे बढ़ते रहना। जैसे मान लीजिए अगर हम जो है हम 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ रहे हैं, ये स्पीड हमारी क्या हो, हमेशा यही बनी रहे, ठीक है, मतलब 50 ही रहे, न तो 50 से कम हो न तो 50 से ज़्यादा हो, ठीक है। तो इस तरह का मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन कहलाता है, ठीक है। ये जो है दोनों की डिफिनेशन हो गई, इसको आप लोग जो है कॉपी पर लिख भी सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अब जो है हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो टॉपिक यहाँ पे है मेजरमेंट ऑफ टाइम, अब हम जो है समय कैसे मेजर करेंगे उसके बारे में जो है सीखना हम लोग जो है सीखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।